सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास में एक घटना आती है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। हनुमान जी महाराज और बाली का युद्ध हुआ था। अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी कोशिश रहती है कि सनातन धर्म के सभी दृष्टांतों को, उनके वर्णन को, उनकी कथाओं को संक्षिप्त रूप तक आप तक पहुंचाएं। बाली जो था वो बहुत बलशाली था और उसको ब्रह्मा जी का एक वरदान प्राप्त था। वरदान क्या था कि जैस जो भी उसका सामना करने आएगा, उससे लड़ने के लिए आएगा, उसकी आधी शक्ति वो ले लेगा और वो उसको हरा देगा। जैसे बाली के पास 100 पावर है और सामने वाले के पास भी 100 पावर है, तो जब दोनों की लड़ाई होगी तो वो 100 में से 50 ले लेगा, तो बाली की 150 हो गई और सामने वाले की 50 हो गई। एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सोचिए कितना बुद्धिमान था, उसने ऐसा वरदान मांग लिया। और जब बाली ने भगवान श्री राम को चैलेंज किया तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए पहुंचे तो बाली तो बड़ा उतावला था कि हाँ, मैं हनुमान जी को भी हरा सकता हूँ। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम सिर्फ अपनी 10% शक्ति को लेकर ही बाली के सामने जाना, इससे ज़्यादा शक्ति को बाली के समक्ष लेके मत जाना। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं, बहुत विनम्र हैं और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी 10% शक्ति के साथ ही बाली के सामने आए। जैसे ही बाली के सामने आए, बाली के वरदान के कारण हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के अंदर पहुंच गई। जैसे ही आधी शक्ति बाली के अंदर पहुंची तो बाली के अंदर अपार बल आ गया और उसको लगा कि अब वो बजरंग बली को हरा सकता है। उसने एक हुंकार भरी, लेकिन जैसे ही हुंकार भरी उसके सर में तेज दर्द होने लगा और नसें फटने लगी। वो समझ गया कि हनुमान जी की जो भी ऊर्जा मैंने ग्रहण की है, उस ऊर्जा को मेरा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तुरंत वहां से भागा उल्टे पैर और ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा, बाली, तुम अपने को इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ मानते हो और मैंने हनुमान जी को कहा था कि केवल अपनी 10% शक्ति को लेके ही जाए, अगर वो पूरी शक्ति ले आते तो तुम इस धरती पर ही नहीं होते। बाली ने उनसे क्षमा मांगी और वहां से चला गया। मोटो क्या है, स्टोरी हमें क्या बताती है? सबसे पहले कि कभी भी आपके पास कोई भी योग्यता हो, कोई भी स्किल हो, उसका अहंकार नहीं करना है। मैंने बहुत से महात्माओं या साधकों को देखा है, महात्मा तो नहीं कहूँगा, साधकों को देखा है, उनको बड़ा अहंकार हो जाता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे आगे कुछ नहीं है, बस वहीं से उनका पतन चालू हो जाता है। कभी भी अपनी किसी भी स्किल पे, अपनी किसी भी भक्ति पे, साधना पे, धन पे, शरीर पे, स्वास्थ्य पे, किसी चीज़ पे अहंकार नहीं करना। हमेशा हनुमान जी से सीखिए, हमेशा अपने किए गए हर कार्य का वो श्रेय क्रेडिट श्री राम को देते हैं कि मैं कौन हूँ करने वाला, श्री राम की कृपा से ही ये काम हो रहा है। अगर भक्त शिरोमणि हनुमान जी की तरह हमारा जीवन बन जाए कि हम हनुमान जी की तरह प्रयत्न करने लगें, उनकी भक्ति में उनकी तरह रहने लगें, तो दोस्तों जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं जो हमेशा राम नाम जप में और ध्यान में लगे रहते हैं और सब कुछ भगवान राम को समर्पित करके काम करते हैं। तो हम सभी उन्हीं के सानिध्य में हैं, वो हमारे गुरु हैं हनुमान जी, तो उनके ही सानिध्य में हमें उनके जैसा ही बनने का प्रयास करना चाहिए। तुलसीदास जी भी हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। जब भी हनुमान जी की आप पूजा आराधना कीजिए, उन्हें गुरु स्वरूप में मानिए। जब आप गुरु स्वरूप में मानेंगे तो उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे व्हाट्सएप के न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे हमारे सारे अपडेट्स बहुत तेज़ी से आपके पास पहुँचे। और अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो 9769739797 पर मैसेज कर दें, हमारी टीम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप के जो चैनल में, उसमें ज्वाइन करा देगी, और जिससे आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे और हमारे सारी अपडेट्स बहुत फास्ट तरीके से आपके पास पहुँचेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कीजिएगा।
हम आपको ध्यान और साधना से संबंधित बहुत सारे वीडियो देंगे। धन्यवाद।